মঙ্গলবার বেঙ্গালুরুতে যখন বিজেপি বিরোধী ২৬ দলের বৈঠক তখন দিল্লিতে জোট সঙ্গী নিয়ে নৈশ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি তার আগে সকালে পোর্ট ব্লেয়ারের বীর সাভারকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নতুন একটি ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বক্তৃতা করেন মোদি সেখানে তিনি বিরোধী জোটকে কট্টর ভ্রষ্টাচার সম্মেলন আখ্যা দেন দুর্নীতি এবং পরিবারতন্ত্রের কথা বলার পাশাপাশি টানেন বাংলার প্রসঙ্গ সিপিএম ও কংগ্রেস নেতৃত্বকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন কিছুদিন আগেই পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে সেখানে প্রকাশ্যে হিংসা হয়েছে লাগাতার খুন খারাপি হয়েছে এ নিয়েও এদের মুখ বন্ধ কংগ্রেস ও বাম কর্মীরা ওখানে নিজেদের কি করে বাঁচাবেন ভাবছেন কিন্তু তাদের নেতারা ব্যক্তিগত স্বার্থে নিজেদের কর্মীদেরও মরার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন ये जो जमात इकट्ठी हुए है ना उनके कुनबे में बड़े से बड़े घोटालों पर अपराधों पर इनकी जुबान बंद हो जाती है जब किसी एक राज्य में इनके कुशासन की पोल खुलती है तो दूसरे राज्यों के ये लोग फौरन उसके बचाव में तर्क देने लगते हैं कहीं बाढ़ घोटाला होता है किसी का अपहरण होता है तो कुनबे के सारे लोग सबसे पहले चुप हो जाते हैं आपने देखा है कि कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए वहां सरेआम हिंसा हुई लगातार खून खराबा हो रहा है इस पर भी इन सब की बोलती बंद है कांग्रेस के लेफ्ट के अपने कार्यकर्ता वहां खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं ने अपने स्वार्थ में अपने कार्यकर्ताओं को भी मरने के लिए छोड़ दिया है राजस्थान में बेटियों से अत्याचार हो या परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हो इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता परिवर्तन की बातें करके जनता से विश्वासघात करने वाले जब करोड़ों का शराब घोटाला करते हैं तो ये कुनबा फिर उन्हें कवर देने लग जाता है इनका कट्टर भ्रष्टाचार उन्हें तब दिखाई देना बंद हो जाता है जब देश की कोई एजेंसी इन पर कार्रवाई करती है तो उनका टैप रिकॉर्डर शुरू हो जाता है कुछ हुआ ही नहीं सब साजिश है हमें फसाया जा रहा है आप तमिलनाडु में देखिए भ्रष्टाचार के घोटाले के अनेक मामले सामने आ रहे हैं लेकिन इनके कुनबे के सारे दलों ने पहले ही सबको क्लीन चिट दे दी है ब्यूरो रिपोर्ट आर ई न्यूज